नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। देश के अंदर लोकसभा चुनाव भले ही साल 2024 में होना है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी से चुनावी तैयारियों में नजर आ रहे हैं। मुंगेर से लोकसभा सांसद ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए मटन चावल का भोज दे रहे हैं और ये भोज आपको बता दें कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है, लेकिन मुंगेर में चलने वाले ललन सिंह के द्वारा दिए गए इस मटन चावल भोज के बाद जो हंगामा देखने को मिला, उसके बाद से भोज पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस दावत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ललन सिंह के भोज पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से इस मामले में भिड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां ललन सिंह के दावत पर विजय सिन्हा ने सवाल उठाया, बीजेपी के नेता विजय सिन्हा ने यहां तक कह दिया कि मुंगेर में आयोजित हुए भोज के बाद हजारों कुत्ते गायब हैं। उन्होंने इस बात के जांच की जरूरत बताई कि आखिर लोगों को किस जानवर का मीट खिलाया गया। तो वहीं अब विजय सिन्हा के इस बयान पर जेडीयू की तरफ से पलटवार आया है और आरोप लगाने के बाद जेडीयू भी तिलमिला गई है। जेडीयू ने विजय सिन्हा को मानसिक दिवालिया करार दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि विजय कुमार सिन्हा को खुद ये बताना चाहिए कि वो अपने यहाँ दावत में किस जानवर का मीट लोगों को खिलाते हैं। क्या कुछ कहा अभिषेक झा ने, आप सुनिए। विजय सिन्हा जी का इस तरह का बयान उनके मानसिक दिवालियेपन को दिखलाता है और यह भी पता चलता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू से कितनी राजनीतिक इनसिक्योरिटी है। खुद तो ऐसा कोई काम करते नहीं है जिससे जनता के बीच पॉपुलर हो सके और दूसरी तरफ इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जो जैसा होता है दूसरे को भी उसी चश्मे से देखता है। इन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता नहीं है, जानवरों और कुत्तों की चिंता कर रहे हैं। लगता है इनके यहां भी आयोजनों में इसी तरह का मीट परोसा जाता है और शराब के मसले पर बयान दे रहे हैं। जब से हम लोगों ने इनके कार्यकर्ताओं का शराब परोसते हुए वीडियो पोस्ट किया है, तब से इन लोगों की राजनीतिक बेचैनी बढ़ गई है। लाख जतन कर लीजिए, लाख बयान दे दीजिए। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ कह दिया कि विजय सिन्हा ललन सिंह से इनसिक्योर है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू सम्राट चौधरी के मटन चावल भोज में शराब परोसने वाले बयान को लेकर के भी काफी हमलावर है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि ये लोग मीट चावल खिला रहे हैं, लोगों को शराब भी दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी के इसी बयान ने जेडीयू को नाराज कर दिया है और इस बयान को लेकर के सम्राट चौधरी पर जेडीयू ने हमला करना तेज कर दिया। इस बयान को लेकर के जेडीयू ने माफी मांगने की चेतावनी दी और कहा कि जो भी आरोप सम्राट चौधरी ने भोज को लेकर लगाया है, शराब को लेकर के लगाया है, उसका सबूत दे। तो कुल मिलाकर के बिहार में इस दावत को लेकर के एक नई सियासत शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि सियासी बयानबाजी में आगे कौन कौन से बयानवीर उतरते हैं। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।